I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, वो भी बहुत डिटेल में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो और मेरा वो वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। सो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कस। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनर स्टूडेंट, या फिर फ्यूचर में डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। सो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और किसी भी गारमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस की। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज किस क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हैं वो मेनली 5 हैं, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जैसे 7 थे उसी तरह हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हैं वो 5 हैं। सो नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे बैलेंस को, नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन को, नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे एम्फेसिस को, नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे रिदम को, एंड नंबर 5 पर हम डिस्कस करेंगे हार्मनी को। सो 1 by 1 हम इन सभी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या ये रोल प्ले करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैलेंस को। जैसा कि बैलेंस का मतलब हम लोगों को पता ही होता है, बैलेंस मतलब कि हर चीज़ बैलेंस में हो, कुछ भी ज़्यादा या कम ना हो, इस तरह से जो है वो बैलेंस का मतलब होता है। बट जब हम फैशन डिज़ाइनिंग में बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका सिमेट्रिकल बैलेंस, दूसरा होता है आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस, और तीसरा होता है आपका रेडियल बैलेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। सो जो हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस होगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मल बैलेंस, यानी कि इस तरह के जो भी डिज़ाइंस होती हैं उनमें सब कुछ बैलेंस होता है, यानी कि आपका पूरा गारमेंट जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, जिसमें आपके नेक लाइन, आपके कलर, आपकी हेम लाइन सब कुछ एक बैलेंस में होगी। एंड इसका जो अपोजिट होगा, बिल्कुल ही अपोजिट, वो हो जाएगा हमारा एसिमेट्रिकल। क्योंकि एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होगा, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसका आप देख सकते हैं, कोई नेक लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं वन साइड शोल्डर दे दिया और दूसरा शोल्डर हमारा ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी कोई भी कलर है तो वो एक बैलेंस में नहीं होंगे, कोई कलर कहीं पर भी दे दिया, मतलब इसमें जो पैटर्न होगा वो अनबैलेंस्ड होगा, बट जो डिज़ाइंस निकल कर आएगी वो बहुत ही सुंदर निकल के आएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ अनबैलेंस्ड है तो डिज़ाइंस आपका सुंदर नहीं लगेगा, ये अनबैलेंस्ड होकर भी बैलेंस्ड होगा बट ये सिमेट्रिकली नहीं होगा। इसके पैटर्न्स में आपको जो है वो डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलेंगी। अगर इसकी नेक लाइन आप देखें तो डिफरेंट होगी, हेमलाइन देखें तो वो भी डिफरेंट होगी। सो इस तरह का जो अनबैलेंसिंग डिज़ाइनिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस। एंड जो नेक्स्ट है वो है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस आप जैसे कि देखकर इमेजेस को समझ सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शन है हमारे डिज़ाइन का उसमें क्या है, किसी भी पार्ट को जो है हमने एक रेडियल इफ़ेक्ट दे दिया, कोई भी रेडियल प्रिंट दे दिया, कोई भी रेडियल डिज़ाइन दे दी, जो कि हम अपने इलस्ट्रेशन जब बना रहे होते हैं तो उसमें ध्यान रखते हुए बनाते हैं। सो वो रेडियल बैलेंस जो है वो हमने दे दिया, सो वो हो जाता है हमारा रेडियल बैलेंस। सो जनरली हमने ये बैलेंस की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो डिज़ाइनिंग में देखी हैं, बट हमें पता नहीं था कि ये होती क्या है, कौन से ऐसी थिंग्स हैं, कौन से ऐसी डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं जिनको यूज़ कर इन सभी चीज़ों को इलस्ट्रेट करके डिज़ाइन किया जाता है। सो आज आप सभी को नॉलेज हो गई है कि बैलेंस ही वो पहला
जो है प्रिंसिपल है डिज़ाइन का, जिससे हमारी डिज़ाइनिंग का जो पैटर्न है वो क्रिएट होता है, जिसमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मतलब जैसा भी गारमेंट डिज़ाइनर बनाना चाहता है, वो सिमेट्रिकल बैलेंस में बनाना चाहता है या एसिमेट्रिकल बैलेंस में बनाना चाहता है या रेडियल बैलेंस में बनाना चाहता है। सो ये तीनों जो है आपके बैलेंस के बारे में आपने जो है जानकारी ली आज। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में जब हम प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं तो किसी भी जो हमारा कस्टमर है उसके साइज को हम प्रोपोर्शंस में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है उसके लिए कोई भी डिज़ाइन जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं। प्रोपोर्शन में हमारा साइज भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, जो हमारे कपड़े की क्वांटिटी है वो भी आ जाएगी, लाइंस भी आ जाएंगी। सो प्रोपोर्शन जो है आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। जैसे जनरली हम लोगों ने जब पैटर्न मेकिंग की क्लास ली थी तो हमने वहाँ पे बस्ट पॉइंट को मेज़र किया था, वेस्ट पॉइंट को मेज़र किया था, हिप पॉइंट को मेज़र किया था। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, हमारे प्रोपोर्शन तो ही हैं। अगर ये हमारा हिप और वेस्ट और बस्ट के पॉइंट्स जो है मेज़रिंग में अलग अलग नहीं होते तो क्या हम इन्हें प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर पाते? अगर हमारा बॉडी शेप स्क्वायर शेप का होता, यानी कि ये सारे मेज़रमेंट्स एक ही सिमिलर के होते, तो क्या डिज़ाइनिंग में इतनी नई नई चीज़ें जो हैं वो हम कर पाते? नहीं ना। सो यस, प्रोपोर्शन इस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और प्रोपोर्शन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। सो प्रोपोर्शन को हम गारमेंट में इस तरह से यूज करेंगे, अगर हमारा किसी भी क्लाइंट का जो है बस्ट है वो वॉल्यूमिनस है तो हम उसका क्या करेंगे, उसका जो टॉप है उसको हम वॉल्यूमिनस रखेंगे और उसका जो बॉटम है उसको हम फिट या स्लिम रखेंगे। इसी के अपोजिट अगर उसका जो टॉप है वो स्लिम है तो हम उसका बॉटम क्या करेंगे, वॉल्यूमिनस रखेंगे। सब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो है एम्फेसिस। इसका जो एम्फेसिस होता है वो क्या करता है, कोई भी हमारा ड्रेस या डिज़ाइन है उस पर क्या करते हैं, हम एक डोमिनेंट फोकल पॉइंट जो है सेंटर पे रख देते हैं या फिर कहीं भी गारमेंट में रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो गारमेंट में एक डिफरेंट लुक आ जाता है और वो जो एम्फेसिस है हम उसको किसी भी तरह से दे सकते हैं, यानी कि हम वेरियस टाइप ऑफ लाइन दे सकते हैं, कोई भी शेप दे दिया हमने एक पॉइंट पर, या कोई भी कलर या टेक्सचर जो है डिफरेंट कर दिया किसी भी पॉइंट पे गारमेंट के, तो वो क्या हो जाता है, एक न्यू पैटर्न जो है वो क्रिएट करता है और जो हमारी आइज को है, जो पूरा गारमेंट है उसको देखने के साथ साथ जो उसका जो डिफरेंट पॉइंट रखा गया है उस पर हमारी आँखों की नज़र पहले पड़ती है। सो यही जो होता है एम्फेसिस क्या करता है, एक हमारा जो गारमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ट्रेंडी और जो है और गारमेंट्स उनसे अलग बनाता है। सो यस, एम्फेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो व्हेन एवर वी आर इलस्ट्रेटिंग समथिंग। सो इस इमेज के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप लाइन देख रहे हैं, जो मिड लाइन दी गई है उसको आप देख सकते हैं, उसकी शेप कैसे की गई है, हेल्ड की गई है सर्कल फॉर्म में की गई है, और इसका आप कलर देख सकते हैं, एक साइड क्या की गई है, डॉटेड बैकग्राउंड रखा गया है ग्रे एंड ब्लैक्स का, और इसमें लाइट भी देख सकते हैं, कलर की जो वैल्यू ऐड की गई है वो किस तरह से यूज़ की गई है, और इसका टेक्सचर आप देखें, एक साइड रफ रखा गया और एक साइड स्मूथ रखा गया। अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कितना ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड डायगोनली डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कंट्रास्ट इस पे आपको समझ में आ ही रहे होंगे। और गारमेंट में अगर आप देखा जाए तो जो ये सर्कल्स हैं वो एक तरह की ज्योमेट्रिकल शेप ही तो हैं। सो इट्स रिफर समथिंग स्टैंड ग्रैब एंड अटेंशन, क्योंकि इस गारमेंट को देख के आपको समझ में आ ही रहा हो कितना ज़्यादा लुक इसका जो है वो हाईलाइट हो रहा है और एक स्पेसिफिक लुक जो है वो क्रिएट कर रहा है। कोई भी अगर देखे इस तरह के आउटफिट्स जो हैं, आपने देखा होगा जो फैशन लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिकॉज
उनका काम ही है सेलिब्रिटीज़ का कि वो क्या करें, कुछ भी ऐसा पहने कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हों वो उन पर अटेंशन करें और वो लोगों की अटेंशन जो है वो गेन कर सके। सो आप समझ सकते हैं एम्फेसिस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो है रिदम। तो रिदम क्या करता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं, शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, प्रिंट्स होते हैं और एसेसरीज होती हैं, इनको क्या करता है, अरेंज करता है, जिससे जो हमारा व्यूअर है यानी कि हम लोग हैं उसे देखने में कोई भी गारमेंट का जो एक पार्ट है वो अनदर पार्ट से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लगे बट रिदम में लगे। यानी कि आप देख सकते हैं इन सारे जो एग्जांपल्स मैं आपको इमेज में शो कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें इनमें यूज़ की गई हैं, कलर्स यूज़ किए गए हैं, पैटर्न्स यूज किए गए हैं और लाइंस यूज की गई हैं, बट गारमेंट का एक पार्ट जो है उस पे क्या किया है, ऐसा डिज़ाइन दिया गया है जहाँ पर इजीली कोई भी व्यूअर है वो अटेंशन जो है वो गेन कर सके। सो यस, इन सभी चीज़ों को एक यूनिफॉर्मिटी में यूज़ करके जो है एक गारमेंट का रिदम। सो जो डिज़ाइनर होते हैं वो 5 टाइप के रिदम जो हैं वो अपने गारमेंट में यूज़ करते हैं। सो एक होता है हमारा रैंडम रिदम, एक होता है हमारा रेगुलर रिदम, एक होता है हमारा अल्टरनेटिव रिदम, एक होता है हमारा फ्लोइंग रिदम और एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव रिदम। सो इनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमेजेस में देखकर समझ ही रहे होंगे या आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं समझाने लगूंगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इमेजेस को देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सो अब हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस है वो है हारमनी। जब हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कलर, शेप, टेक्सचर, वैल्यू, तो जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस हैं वो जब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस के पैरामीटर पर इफ़ेक्टिवली यूज़ होते हैं, तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस हैं वो क्या करते हैं, हारमनी क्रिएट करते हैं। हारमनी का अगर हिंदी में मतलब करें तो हारमनी मीन्स होता है सद्भाव, यानी कि जो गारमेंट है इन दोनों चीज़ों यानी कि प्रिंसिपल डिज़ाइंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को जब ध्यान में रखकर हम कुछ भी बनाते हैं तो जो गारमेंट हो वो सद्भाव यानी कि देखने में जो हो आई अपील्ड हो लगे, तो हमारा जो हारमनी क्रिएट होता है। तो अगर हम एक लाइन में हारमनी को डिफाइन करें तो हारमनी इज़ द विजुअली सेटिस्फाइंग इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट्स। सो आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को बहुत ही अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो जो क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं अब आप सभी के लिए डेली क्विज जो है वो अपनी स्टोरी पर लाने वाली हूँ, जिससे आपको क्या होगा, आपके एक नोट्स भी जो है तैयार होते जाएंगे। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया है, और मैं छोटी छोटी क्लिप्स भी जो है इंस्टाग्राम पर अब अपडेट करती रहूँगी। सो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, लगे अगर किसी की भी हेल्प हो सकती है। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।